नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव ऑन टू अ चैप्टर कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज सो अभी एक्चुअली ये कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज नाम का कोई अलग चैप्टर नहीं है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर लेकिन हम लोग इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद ही करते क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ कॉन्सेप्ट इसमें यूज होते हैं अभी कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज क्या बोलता है वो बोलता है कि देर आर टू थियरीज वन थियोरी सेज दैट कैपिटल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस द मार्केट वैल्यू ऑफ़ द कंपनी और दूसरा थियरी बोलता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट वैल्यू ऑफ़ द कंपनी पहला थियरी जो बोलता है दैट कैपिटल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस द मार्केट वैल्यू उसका बोलने का मतलब यह है कि अगर हमने कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज किया तो मार्केट वैल्यू चेंज होएगा दूसरा थीरी बोलता है कि आपने कैपिटल स्ट्रक्चर अगर चेंज नहीं आप आपने चेंज कर भी दिया तो भी मार्केट वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज मार्केट वैल्यू इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू अपने को समझने हैं ठीक है सो so, इसके अंदर एज आई सेड दो थियरी है एक कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर्स और दूसरा कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट मैटर तो जो कहता है ना कि कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर्स उसमें दो थियरी है एनआई अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच करके एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट मैटर में है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड एम एम थियरी ठीक है सो एन आई अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच एन आई का फुल फॉर्म है नेट इनकम एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट मैटर में जो एन ओ आई है वो है नेट ऑपरेटिंग इनकम एंड एम एम मोदी ग्लियानी मिलर करके है शॉर्ट में वी कॉल इट एज एम एम सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थियरीज लेकिन ये है थे, अंडरस्टैंड करने के पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिबेट के कुछ रूल्स है जिनको अजम्पन्स दे आर कॉल्ड एज अजम्पन्स ऑफ द चैप्टर पहला अजम्पन है कि देखो जब भी मैं मेरे को दो प्रोपोज प्लान दिया रहेगा ए एंड बी करेक्ट ए एंड बी टू प्रोपोज प्लान विल बी गिवन आवर जॉब इफ वी आर ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल इज टू प्रूव दैट इफ कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस मार्केट वैल्यू चेंजेस एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल द डिबेट इज कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने से मार्केट वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता है ये जब आप प्रूव करने जाओगे तब कुछ रूल्स आपको फॉलो करना है पहला दोनों प्लान्स का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड सेम रहेगा दूसरा दोनों प्लान्स में सेल्स से लेके ईबीआईटी e में फर्क नहीं पड़ेगा जो भी फर्क पड़ेगा वो ईबीआईटी e के बाद ही पड़ेगा क्योंकि ईबीआईटी e के नीचे फाइनेंसिंग पर डिपेंड करता है कैपिटल स्ट्रक्चर अलग रहेगा तो ऑफकोर्स ई e बी के नीचे सब बदलता ही है लेकिन सेल्स टू ईबीआईटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तीसरा पूरे चैप्टर में टैक्स नहीं आएगा टैक्स रेट नहीं आएगा चौथा इस पूरे चैप्टर में जब आप डिबेट करोगे कैपिटल स्ट्रक्चर को लेके तब दो ही सोर्सेज ऑफ फंड से डिबेट करना है डेट एंड इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व ये सब लाना नहीं है ठीक है पांचवा डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी एज्यूम टू बी हंड्रेड परसेंट ठीक है मतलब यहाँ पे कोई रिटेन अर्निंग्स नहीं रहेगा और सातवा या छठा डेट एंड इक्विटी बोथ विल बी एज्यूम टू बी इ रिडीमेबल ऑफ कोर्स इक्विटी तो परपेचुअल होता ही है डेट भी परपैचुअल है ठीक है तो ये सारे रूल्स को लेके अभी अपने को समझना है तो पहला ना, है ना एन अप्रोच है एन आई सो मैं यहाँ लिखता हूँ पॉइंट नंबर वन नेट इनकम अप्रोच अच्छा ये ये जो थियोरी है ना ये समझने के पहले आई वुड जस्ट लाइक टू एक्सप्लेन टू यू हमारा इनकम स्टेटमेंट है ना ई बी आई टी माइनस इंटरेस्ट विल गिव ई बी टी सबसे पहले मैंने सेल्स से शुरू नहीं किया क्योंकि सेल्स ऑनवर्ड सब कुछ इरेलीवेंट है क्योंकि जो भी शुरू होगा हो 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 वो ई बी आई टी से ही होएगा उसके ऊपर का सेल्स टू ई बी आई टी कोई भी प्लान ए हो या प्लान बी हो डजेंट मैटर सेल्स टू ई बी आई जीरो इलेवन बिकॉज वो वाला पार्ट सेम ही रहता है ई बी आई टी ऑनवर्ड्स चेंज होता है ये जो ई बी है ना उसको इस चैप्टर में नेट ऑपरेटिंग इनकम के नाम से जाना गया है एज अ टोल्ड यू इन रेशियो एनालिसिस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ई बी आई सेम ही है तो वही है ई बी आई के जगह पर उसको नाम दिया गया है एन ओ आई माइनस इंटरेस्ट विल गिव ई बी टी लेकिन क्योंकि इस चैप्टर में टैक्स इज टू बी टू बी ज़ीरो तो ये ई बी टी और एन पैट

और ये जो इक्विटी डिविडेंड है ना इसको इस चैप्टर में हम लोग एन के नाम से जानते हैं सो एन ओ माइनस इंटरेस्ट इज एन सो आपका बेसिकली इनकम स्टेटमेंट इतना सही है नेट ऑपरेटिंग इनकम माइनस इंटरेस्ट विल गिव नेट इनकम ओके ऑल राइट सो ऑल्सो मैं जनरली ना एक मैट्रिक्स ऑफ फॉर्मूलाज देता हूँ इस चैप्टर का देख लो एक बार एक है ना आपका डेट हो गया एक हो गया इक्विटी और एक हो गया फर्म डेट इक्विटी और दोनों का कॉम्बो को फर्म कहते हैं ओवरऑल फर्म अभी देखो कैन आई से वैल्यू ऑफ डेट इंटू के डी विल गिव द इंटरेस्ट अमाउंट कर देना डेट का अमाउंट इंटू इंटरेस्ट रेट विल गिव द इंटरेस्ट अमाउंट करेक्ट हाँ एक चीज़ समझो इस चैप्टर में क्योंकि टैक्स नहीं है तो जनरली क्या है इंटरेस्ट रेट को इंटू वन माइनस टी करेंगे तब जाके के डी आता है ना लेकिन अगर टैक्स है ही नहीं सो आई होप यू रियलाइज इंटरेस्ट रेट एंड के डी विल बी सेम ओनली ठीक है सो Uh, तो डेट को अगर मैं इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे इंटरेस्ट मिलता है ये आपको समझा सिमिलरली स्टूडेंट्स इक्विटी में क्या बोलूँगा मैं इक्विटी के वैल्यू को के ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विटी का डिविडेंड मिलेगा एन आई करेक्ट एंड सिमिलरली वैल्यू ऑफ फर्म को के ओ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई बी आई टी मिलेगा ओवरऑल तो तुमको दिख रहा है इंटरेस्ट डेट का रिटर्न रहता है डिविडेंड्स इक्विटी का रहता है और ई दोनों का कंबाइंड रहता है बराबर ई इज बेसिकली द कॉम्बो इफ यू सी यर ई माइनस इंटरेस्ट इज डिविडेंड ना तो बेसिकली डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट इज ई बी आई यही इस चैप्टर के अंदर कुछ है ही नहीं और अभी इन ये तीन को अगर आपको समझ में आ गया अभी बस इन्हीं तीन को थोड़ा सा आप घुमाओगे अगर सो कैन आई से डी विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन वैल्यू ऑफ डेट इन टू हंड्रेड के ई विल बी एन आई अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी इन टू हंड्रेड एंड के ओ विल बी एन ओ आई अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म इन टू हंड्रेड समझा कुछ नहीं फॉर्मूलाज घुमा रहा हूँ और एक लास्ट वैल्यू ऑफ़ डेट विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन के डी वैल्यू ऑफ़ इक्विटी विल बी एन आई अपॉन के ई समझ रहे एंड वैल्यू ऑफ फर्म विल बी एन ओ आई अपॉन के ओ यहाँ तो सबको समझ में आ गया दीज आर दीज आर फ्यू फॉर्मूलाज विच विल बी यूज इन दिस एंटायर चैप्टर कुछ नहीं चालू एक से ही किया बाकी सब तो नाइन खुल गए इसमें से ही ठीक है चलो सो so, अभी हम लोग शुरू करते हैं विद द फर्स्ट अप्रोच दैट इज एन आई अप्रोच तो एन आई का बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट रहेगा पर्टिकुलर्स और जो दो प्लान दे रहेंगे ना उनको लेना है यहाँ पे एंड देन फॉर्मेट ऐसा है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच माइनस इंटरेस्ट विल गिव एन आई ये आपको मैंने सिखाया था अब ये डिविडेंड है दिस इफ आई आई डिवाइड बाय के इस वैल्यू ऑफ इक्विटी में वैल्यू ऑफ डेट जोड़ देंगे तो से वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगा एंड वैल्यू ऑफ फर्म इन टू हंड्रेड करेंगे एनओ आई अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म इन टू हंड्रेड करेंगे तो बच्चा लोग अपने को के ओ मिलेगा ओवरऑल कॉस्ट ये वाला एन ओ आई अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म इन टू हंड्रेड सो स्टूडेंट इसमें क्या होएगा दे विल दे विल गिव यू एन ओ आई एंड आई होप यू रियलाइज इर रिस्पेक्टिव ऑफ विच प्लान यू आर गोइंग फॉर फाइनेंसिंग प्लान डेट इक्विटी जिससे जाने जाओ ई बी आई टी तक तो सेम ही रहने वाला है एन ओ आई फिर नीचे 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 बदलता जाएगा एंड यू विल लैंड अप एट दिस ये वाला जो थियरी रहेगा ना इसमें ये जो भी वैल्यू ऑफ फर्म आएगा विल नॉट बी इक्वल टू दिस वैल्यू ऑफ फॉर्म दैट इज द होल पॉइंट और वो यही बोल रहा है कि देखो सब सेम धंधा सेम सेल्स टू ई बी आई टी सेम रखा है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड सेम रखा है दोनों प्लान्स का फिर भी दोनों का वैल्यू अलग आ रहा है वैल्यू ऑफ फॉर्म अलग आ रहा है दैट इज एन आई अप्रोच एवरीबडी क्लियर अभी इसमें एक चीज याद रखना है एन आई अप्रोच में दोनों प्लान्स का जो भी के डी रहेगा ना के डी वो दोनों प्लान्स का सेम रहेगा दोनों प्लान्स का के ई बी सेम रहेगा विच मीन्स इट्स अ कॉन्स्टेंट के मतलब ये अगर टेन परसेंट दिया है ना तो ये भी टेन परसेंट रहेगा इट्स अजम्पन है अजम्पन ऑफ एन आई अप्रोच इज दैट के ई ऑफ बोथ प्लान्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट के डी ऑफ बोथ प्लान्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट बट ऑफकोर्स के ओ वॉन्ट रिमेन कॉन्स्टेंट बी बड़ी क्लियर के ओ वैल्यू ऑफ फर्म बदल जाएगा ना तो के ओ कॉन्सटेंट नहीं रहेगा बस ये हो गया आपका एन आई अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच जो है ना उसमें क्या है मालूम उसमें सेम टू सेम फॉर्मेट है दिमाग लगाना नहीं ट्रेडिशनल अप्रोच सेम फॉर्मेट इट इज़ जस्ट दैट दोनों का केई के डी जो रहेगा ना वो चेंज होएगा बेसिकली प्लान ए का अगर केई टेन परसेंट है तो इसका मे बी सिक्सटीन परसेंट रहेगा वॉट एवर फॉर्मेट वही है सिर्फ नंबर्स बदलेगा आपको करना वही कैलकुलेशन है सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना कि कौन से प्लान का कौन सा कितना के डी है कितना के ही है उतना ही ध्यान देना है बाकी पूरा फॉर्मेट सेम अभी मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूं ये फॉर्मेट तो चलो ठीक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टू टेल यू अगर एग्जाम में के ई e दिया है आई एल अगेन रिपीट अगर एग्जाम में के ई e दिया है एंड उन्होंने आपको के ओ निकालने बोला वापिस बोलता हूं अगर उन्होंने आपको के ई e दिया है एंड आपको उन्होंने के ओ निकालने को बोला देन स्टूडेंट्स दैट इज़ अ हिंट दैट आपको NI approach अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच का फॉर्मेट यूज करना है नहीं तो ना एग्जाम में था वो लोग बताएंगे नहीं कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर theories का क्वेश्चन है फॉर्मेट से डालना है कुछ दे विल simply गिव यू नंबर्स ऐसा लगेगा जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है के दिया है के ढूंढने का है हाँ तो याद रखना के दिया है के ढूंढने का है ना तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन नहीं है बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर theories का क्वेश्चन है NI approach अप्रोच से सॉल्व करने का है। ठीक है सो दिस इज वन थिंग सो एन हो गया ट्रेडिशनल हो गया अभी मैं आपको एनओ आई अप्रोच दिखाता हूं ठीक है आई विल शो यू पॉइंट नंबर टू दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये वाला अप्रोच क्या बोलता है ये बोलता है कि वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगा चेंज नहीं होएगा तो उसका फॉर्मेट ऐसा है पर्टिकुलर्स ए एंड बी ओके पर्टिकुलर्स ए एंड बी सो यहां पे मैं लिखता हूं एनओ आई यहीं पे उसको डिवाइड बाई के करके वैल्यू ऑफ फर्म निकलता है इसमें से वैल्यू ऑफ डेट माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आता है वापस लिखता हूं एनओ आई माइनस इंटरेस्ट विल गिव एन आई एंड देन के ई विल बी इक्वल टू एन आई अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी इन टू हंड्रेड सो स्टूडेंट सबसे पहले ना ये एन आई जो है वो दो बार लिख रहा हूं यहां पे एक यहां पे भी है और एक यहां पे भी है ठीक है उसके बाद करना क्या है ये तो माइनस इंटरेस्ट करके एन आई निकलना तो तुमको आ ही जाएगा इधर इधर लेकिन माइनस इंटरेस्ट नहीं करना सीधा डिवाइड बाई के ओ करके पहले वैल्यू ऑफ फर्म निकाल दो तो तुमको दिख रहा है इस एन ओ आई अप्रोच के अंदर दोनों प्लान्स का के ओ सेम रहता है के ई नहीं समझ में आ रहा है दोनों प्लान्स का के ओ सेम रहता है एन आई अप्रोच में क्या सेम था के ई सेम था और के ओ बदलता है एन ओ आई अप्रोच में के ओ सेम रहता है के ई बदलेगा ठीक है ऑफकोर्स कैन यू सी दोनों प्लान्स का भले एक में डेट है एक में नहीं है तो भी दिख रहा है वैल्यू ऑफ फर्म तो सेम ही आएगा इसमें और फिर माइनस वैल्यू ऑफ डेट करके आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा एक बार आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया उसके बाद आप बस एन को वापस लेके इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो भी है माइनस करके एन आई निकालना है एंड देन दिस एन डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी विल गिव यू के हिंट इन द एग्जाम अगर एग्जाम में आपको के ओ दिया है और आपको के ई ढूंढना है तो ये फॉर्मेट है खत्म हो गया बात सिंपल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अब वापिस बोलता हूं अगर के ई दे के बोले के ओ ढूंढो तो एन आई का फॉर्मेट यूज करो और के ओ दे के बोले के ई ढूंढो तो एन ओ आई का फॉर्मेट इसके अलावा आपको ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है जस्ट सिंपल फॉर्मेट है गेम ओवर ओके सो कैन यू सी दैट इन एन आई अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच वैल्यू ऑफ फर्म अलग होता है तो ये लोग का पॉइंट वही है ना कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर वैल्यू ऑफ द फर्म बदलेगा अगर प्रोपोज प्लान बदलता है तो लेकिन एनओ आई बोलता है नो कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट मैटर आप कुछ भी प्लान बदलो वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगा ये इनका थियरी है ठीक है नाउ वी गो टू द लास्ट थियरी ऑफ दिस चैप्टर दैट इज एम एम थियरी ठीक है तो मैं कहना चाहूँगा कि एम एम जो है ना दे बेसिकली आर प्रूविंग दैट कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट मैटर ठीक है उससे फर्क नहीं पड़ता है टू द वैल्यू ऑफ द फर्म अभी एमएम के अंदर मतलब बेसिकली एमएम कहने से एन ओ आई अप्रोच का फ्रेंड है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट मैटर आप कुछ भी करो वैल्यू ऑफ द फर्म विल रिमेन सेम सो स्टूडेंट्स एम एम के अंदर ना देर आर टोटल टू सेपरेट पार्ट्स ठीक है एक उसका माइल गिव नेम एज और आई मेट यूज द वर्ड प्रोपोजिशन वन और यहां पे आता है विथ टैक्स करके ठीक है विथ टैक्स एंड स्टूडेंट्स इन प्रोपोजिशन वन देर आर टू पार्ट ठीक है देर इज समथिंग कॉल्ड एज प्राइमरी आर्बिट्राज एंड देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज सेकेंडरी आर्बिट्राज विद इन प्राइमरी आर्बिट्राज देर आर टू मेथड्स देर इज मेथड वन मैथड टू विद इन सेकेंडरी आर्बिट्राज देर आर टू मैथड्स मैथड वन एंड मैथड टू ठीक है एंड विथ टैक्स वाला जो है ना इसके अंदर बच्चा लोग दो फॉर्म्यूला है वो अपने को डिस्कस करना है एक बार ये हो गया कहना से एम एम थियोरी हो जाएगा नाउ एम एम थियरी का एम 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 को समझने के लिए अच्छा राइट नाउ इन दिस रिविजन मॉड्यूल मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा इन द एम एम थियरी तो इसी को तीन चार घंटा लग जाएगा बट वी आई जस्ट टेल यू एग्जैक्टली एग्जाम में सॉल्व कैसे करने का है ठीक है टू टू डू दैट आई विल जस्ट टेक हेल्प ऑफ वन क्वेश्चन ईयर ओके ये जो क्वेश्चन है ना सिक्स वाला इसको यूज करके आई विल एक्सप्लेन टू यू एम एम थियरी सोल्व कैसे करते हैं लेट्स अंडरस्टैंड देर आर टू कंपनीज एन एंड एम हैविंग सेम ई बी आई टी ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड एम इज अ लेवर्ड कंपनी लेवर्ड का मतलब है इसके अंदर डेट है हैविंग डेट ऑफ वन लैक एट द रेट सेवन परसेंट एंड के ई ऑफ एन इज़ टेन एंड एम इज एलेवन पॉइंट फाइव फाइंड आउट हाउ द आर्बिट्राज प्रोसेस विल बी कैरिड ऑन ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा सो आई विल एक्सप्लेन टू यू अभी सबसे पहले आर्बिट्राज ये वर्ड का मतलब क्या है आर्बिटराज मीन्स ऐसा अपॉर्चुनिटी जिससे आपको बैठे बैठे रिस्क फ्री प्रॉफिट कमा पाओ ठीक है रिस्क फ्री बिना किसी टेंशन का प्रॉफिट कमाने का जो अपॉर्चुनिटी रहता है ना उसको आरबिट्राज कहते हैं और उसी को यूज़ करके एम एम ने एक पूरी मॉडल बनाई हुई है लेट्स अंडरस्टैंड सो सबसे पहले ना मैं आई एम राइट नाउ टीचिंग यू एम एम थियरी प्रोपोजिशन वन प्राइमरी आर्बिट्राज मेथड वन ठीक है फिर प्राइमरी आर्बिट्राज मेथड टू में जाएंगे फिर सेकेंडरी आर्बिट्राज मेथड वन सेकेंडरी आर्बिट्राज मेथड टू ठीक है ये सब के ऊपर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन है तो यू शुड ऑल दिस हाँ ठीक है चलो तो मैं यहाँ लिखता हूँ एम एम प्रोपोजिशन वन प्राइमरी आर्बिट्राज मेथड वन चालू करें ओके तो इसमें ना सबसे पहले वन नीड्स टू प्रिपेयर ट्रेडिशनल अप्रोच का फॉर्मेट एंड कीप एंड देन ओनली वी कैन गो एड इन एम एम ठीक है तो सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच का फॉर्मेट में मैं लिखता हूँ पर्टिकुलर्स एंड वी हैव गॉट टू कंपनीज एम एंड एन ट्रेडिशनल मतलब एन आई अप्रोच का फॉर्मेट क्या था एन ओ आई माइनस इंटरेस्ट विल गिव एन आई डिवाइड बाई के विल गिव वैल्यू ऑफ इक्विटी Add value of debt will give value of firm and then we will get KO theek ठीक है तो वो के bhi में भी skip kar raha कर रहा हूँ is theory की इस zarurat के लिए जरूरत नहीं है चलो NY, is the ebit kitna diya hai 20000 so can i say कितना दिया है in both okay कैन आई सी एल राइट ट्वेंटी थाउजेंड इन बोथ ओके माइनस इंटरेस्ट इंटरेस्ट कहना थे सिर्फ एम में रहेगा एक लाख पे सात टक्का दैट इज सेवन थाउजेंड सो एल राइट सेवन थाउजेंड ईर एंड दिस इज डैश सो दिस इज थर्टीन थाउजेंड एंड दिस इज़ ट्वेंटी थाउजेंड फिर उन्होंने के ही कितना दिया है टेन परसेंट फॉर एन एंड इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट फॉर एम ठीक है तो उससे वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा आपको सो थर्टीन थाउजेंड डिवाइडेड बाई इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट ये आ जाता है वन लैख थर्टीन थाउजेंड जीरो फोर्टी थ्री ये ऑफकोर्स आ जाता है टू लैख इसमें बच्चा लोग एक लाख का डेट है ये कुछ नहीं है सो दिस इज टू वन थ्री जीरो फोर्टी थ्री एंड दिस इज टू लाइक ठीक है अब आपको दिख रहा है कि एम जो है दिस इज ओवर वैल्यूड एज कम्पेयर टू एन इसको ओवर वैल्यूड क्यों कहते हैं क्योंकि दोनों का सर ई तो सेम ही है लेकिन फिर भी एक का वैल्यू ज़्यादा दूसरे का कम है तो जिसका ज़्यादा है ना उसको ओवर वैल्यूड कहेंगे जो कम है उसको अंडर वैल्यूड कहेंगे ठीक है सो नाउ व्हाट इज व्हाट आर द स्टेप्स फॉर आर्बिट्राज स्टेप्स फॉर आर्बिट्राज ऐसा है मैं यहां लिखता हूं स्टेप्स फॉर आर्बिट्राज इसमें पहले लिखते हैं इसमें ना सबसे पहले अपने को ऐसा करना पड़ेगा लेट्स अज्यूम वी आर टेन परसेंट इक्विटी शेयर होल्डर इन ओवर वैल्यूड कंपनी एम एल अगेन रिपीट आपको अगर आर्बिट्राज करने का है ना तो एक आपको खुद से लिखना पड़ेगा कि अच्छा आर्बिटर्ज करने का है तो वी विल हैव टू अज्यूम दैट हम ओवर वैल्यूड कंपनी में ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर्स है कौन सी वाली कंपनी ओवर वैल्यूड है यहाँ पे एम तो हम लोग ऑलरेडी एम के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर्स है कितना परसेंट शेयर होल्डर होल्डिंग है वो आप डिसाइड करो टेन परसेंट इज वेरी इजी इसके लिए टेन टेन लेके ही करना है एग्जाम में ठीक है तो चलो तो इफ़ दैट इज द केस देन स्टूडेंट स्टेप वन आई विल सेल शेयर्स ऑफ एम तो आपके पास एम के जो शेयर्स है ना उसको बेच दो आप अगर एम के शेयर्स बेचते हो तो तुमको समझ में आ रहा है एम का इक्विटी का जो वैल्यू है ना वो वन लैख थर्टीन थाउजेंड जीरो फोर्टी थ्री है तो वन लैख थर्टीन थाउजेंड जीरो फोर्टी थ्री लेकिन आप तो सिर्फ एक टेन परसेंट शेयर होल्डर हो करेड यू आर ओनली अ टेन परसेंट शेयर होल्डर तो कहना है इसे आपके हाथ में आप शेयर्स बेचोगे तो कहना थे इलेवन थाउजेंड थ्री जीरो फोर आएगा ये पॉइंट नंबर वन समझा पॉइंट नंबर टू बोरो हाँ छोटा सा अमाउंट आपको बोरो करना पड़ेगा यहाँ पे कितना बोरो करना पड़ेगा तो पहले मैं लिखता हूँ प्रिंसिपल कितना प्रिंसिपल बोरो करने का सो so स्टूडेंट्स आपके कंपनी में जितना डेट था मल्टीप्लाइड बाय शेयर होल्डिंग परसेंटेज ठीक है आपके कंपनी में कितना डेट था क्या ना इसे एम जिस कंपनी में आप शेयर होल्डर अब तक थे अभी आपने बेच दिया अभी आप एन में जाने वाले हो लेकिन एन में जाने के पहले खुद को पूछो पिछले कंपनी में डेट कितना था एक लाख का डेट था और आपका शेयर होल्डिंग का परसेंटेज कितना था टेन ना तो बच्चा लोग दस का आप डेट बोरो पर्सनली बोरो करना बैंक से जाके एंड उसका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो सेम रखना पहले जैसा दैट इज सेवन परसेंट जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट था उतना तो बेसिकली आप टेन थाउजेंड रुपीज बोरो कर रहे हो एट द रेट सेवन परसेंट थर्ड स्टेप आपने ना एम के शेयर्स अभी बेच दिए ना यू सोल्ड द शेयर ऑफ एम नाउ यू हैव टू बाई द शेयर ऑफ एन सामने वाली कंपनी के शेयर्स बाय करने आपको सो so, मैं यहां लिखता हूं ओके okay, बाय शेयर्स ऑफ n टू बिकम 10% परसेंट इक्विटी शेयर होल्डर तो सामने वाली कंपनी में दस टक्का शेयर होल्डर बनने के लिए कितने के शेयर खरीदने पड़ेंगे बड़ा सिंपल है कहने से सामने वाली कंपनी का टोटल इक्विटी जो है वो दो लाख का है करेक्ट टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी दो लाख का है आपको टेन परसेंट शेयर होल्डर बनने का है तो आई होप यू रियलाइज यू विल हैव टू पे ट्वेंटी थाउजेंड बीस हजार रुपए का शेयर आपको खरीदना पड़ेगा तो मैं लिखता हूँ 2 लाख इन 10 परसेंट विच इज इक्वल टू 20,000. सो बीस रुपए के आपको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे तो अभी आप देखोगे ना तो क्या हो गया आपके आपने ओरिजिनल शेयर्स जो आपने बेचा ना तो मैं यहां लिखता हूं अमाउंट सेव्ड ओके अमाउंट सेव्ड कहना से ग्यारह हजार के आपने शेयर्स बेचे थे ऊपर बर, फिर आपने दस हजार का और बोरोइंग किया तो डू यू देयरफॉर रियलाइज आपके पास अभी इतना रुपया है इतने में से आपने बीस हजार रुपये के शेयर्स खरीद दिए सो देर फोर डू यू रियलाइज दैट आपके पास वन थाउजेंड थ्री जीरो फोर आई जस्ट टेक अगेन इलेवन थ्री ज़ीरो फोर प्लस टेन थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड वन थ्री जीरो फोर का रुपया बच गया बैठे बैठे ठीक है ये बचने के बाद वन शुड डू कंपेयरिंग अर्निंग्स ठीक है कंपेयरिंग अर्निंग्स कंपेयरिंग अर्निंग्स में क्या होता है हम बोलते हैं बिफोर शिफ्टिंग बिफोर शिफ्टिंग मतलब हम जब भी पहले एम में थे अभी शिफ्ट किया ना हमने एम से एन में चले गए तो जब हम एम में थे तो स्टूडेंट्स उसमें से कहना इसे मेरे को डिविडेंड्स मिलता था करेक्ट डिविडेंड्स फ्रॉम एम नाउ डू यू रियलाइज़ एम का इक्विटी का वैल्यू है एलेवन थाउजेंड थ्री जीरो और आई माइट से वन लैक थर्टीन थाउजेंड ज़ीरो फोर्टी थ्री और उसका जो के है वो है इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट तो आपको ये समझ में आता कि हमारे पास हमारे पास 11304 के शेयर्स थे उस पर हम 11.5 परसेंट का के कमा रहे थे सो इलेवन थ्री जीरो फ़ोर इंटू इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट ओके डू यू रियलाइज़ हम है ना तेरह सौ रुपये का डिविडेंड एम से कमाते थे ये तेरह सौ का कैलकुलेशन ऐसा भी कर सकते हो इधर देखो क्या ना इसे कंपनी टोटल डिविडेंड बांट रही है तेरह हज़ार हम तो टेन परसेंट शेयर होल्डर थे तो हमको तेरह सौ रुपये ना वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड रुपीज़ वी विल गेट एज़ डिविडेंड्स करेक्ट अभी ये हो गया बिफोर शिफ्टिंग अब मैं लिखता हूं आफ्टर शिफ्टिंग आफ्टर शिफ्टिंग बच्चा लोग कहना आपको डिविडेंड्स फ्रॉम एन मिलेगा करेक्ट डिविडेंड्स फ्रॉम एन मिलेगा आपने बीस हजार रुपए के शेयर खरीदे हुए हैं और टेन परसेंट का के ही है सो देरफोर डू यू रियलाइज दैट ट्वेंटी थाउजेंड इंटू टेन परसेंट मेरे को दो हजार रुपए का डिविडेंड मिलेगा फ्रॉम एन लेकिन मेरे को कहना है इंटरेस्ट भी तो कर भरना पड़ेगा ना इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग याद है आपने दस हजार रुपये का लोन लिया है एट द रेट सेवन परसेंट तो बेसिकली सात सौ रुपए का आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग होएगा सो नेट डू यू रियलाइज यू आर अर्निंग थर्टीन हंड्रेड दो हज़ार रुपये का डिविडेंड कमा रहे हो सात सौ रुपए का इंटरेस्ट भर रहे हो कहना है वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड रुपीज इज वॉट यू आर अर्निंग नेट एवरीबडी क्लियर टलियर नाउ वॉट इज हेम एम ट्राइंग टू से हेम एम बोल रहे हैं देखो शिफ्टिंग के पहले भी जो कमा रहे थे शिफ्टिंग के बाद भी उतना ही कमा रहे हो लेकिन आपने इस प्रोसेस में तेरह सौ चार रुपये बचा लिया ना घर पे एक्स्ट्रा पड़ गया घर पैसा ये जो आपने एक्स्ट्रा पैसा बचा लिया ना दैट इज़ कॉल्ड एज आर्बिट्राज गेन एंड देर फोर ये कहता है कि आप पहले भी तेरह सौ कमाते थे अभी भी तेरह सौ कमाते हो आपका सिचुएशन इन लाइफ तो सेम ही रहा उसके अलावा आपको तेरह सौ रुपये तेरह सौ चार रुपया 1304 थ्री जीरो कहने से बच गया ये जो 1304 बच गया ये आर्बिट्रज गेन हो गया सो एमएम एम ये क्वेश्चन यहां खत्म हो गया सो बेसिकली वी विल टेल वी विल टेल दे आर सेइंग ना फाइंड आउट हाउ द आर्बिट्रज प्रोसेस विल बी कैरिड ऑन ये चार पांच स्टेप दिखाओ खत्म हो गया बात इसमें मैं एक एक्स्ट्रा एड करना चाहता हूँ कि देखो एम एम ये बोलेगा कि सिंस यू आर अर्निंग सेम एज अर्लियर बट विथ अ सेविंग्स ऑफ वन कैन आई से एवरीबडी विल गेट अट्रैक्टेड टू दिस एंड उससे क्या होएगा? सब लोग ये स्कीम फॉलो करेंगे करेक्ट और ये जो अमीरों की स्कीम है जो सब फॉलो करेंगे उसमें तुमको समझ में आ रहा है एवरीबडी विल स्टार्ट डूइंग स्टेप वन सेलिंग शेयर्स ऑफ एम एंड एवरीबडी विल स्टार्ट डूंग स्टेप थ्री दैट इज बाइंग शेयर ऑफ एन और उससे क्या होएगा एम जो ओवर वैल्यूड है उसमें लोग शेयर्स बेचना शुरू करेंगे एन जो अंडर वैल्यूड है उसमें शेयर्स खरीदना शुरू करेंगे कहने से उससे डू यू रियलाइज़ दोनों का प्राइस का लेवल सेम हो जाएगा बिकॉज एम का भाव गिरना शुरू हो जाएगा एन का भाव बढ़ना शुरू हो जाएगा एक बार दोनों का भाव सेम हो गया बच्चा लोग उसके बाद देर इज नो मोर एनी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी विच इज़ पॉसिबल फिर खत्म हो जाएगा ये जब तक डिफरेंस है तब तक आप ये कमा सकते हो ये डिफरेंस को लूटने के लिए लोग आएंगे लोग आएंगे तो कहने से एम का शेयर्स बिकना शुरू हो जाएगा एन का शेयर्स खरीदना शुरू हो जाएगा वंस बोथ ऑफ देम कम टू अ सेम लेवल आर्बिट्राज खत्म हो जाता no है देर इज नो लॉन्गर एनी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बट एम बोल रहे हैं देखो दोनों कंपनीज जिसमें एक में डेट है एक में डेट नहीं है जिसका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है फिर भी दोनों का वैल्यू ऑफ फर्म सेम है तो वो कहता है कि देखो कैपिटल स्ट्रक्चर अलग होने के बावजूद अगर वैल्यू ऑफ फर्म दोनों का सेम आता है तो कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट मैटर ना इट इज ही रिलेवेंट दैट इज वाट इज एम एम्स थियरी ठीक है सो विद दैट स्टूडेंट्स मैंने आपको एम एम का पार्ट वन एम सॉरी प्रोपोज़िशन वन का प्राइमरी अब मैं आपको इसी प्राइमरी बोलता, okay, okay, बोलता है कि सब कुछ सेम सब कुछ सेम एवरीथिंग सेम इट इज जस्ट दैट स्टेप थ्री है ना स्टेप इस स्टेप थ्री में जब भी आप शेयर ऑफ एन बाय करते हो ना तब टेन परसेंट शेयर होल्डिंग के लिए बाय मत करना तुम्हारे पास जितना रुपया है ना सब डाल दो एन के अंदर मतलब हमारे पास तुमको समझता है हमारे पास इलेवन थाउजेंड थ्री जीरो फोर है प्लस टेन थाउजेंड है डू यू रियलाइज मैं अभी ट्वेंटी वन थाउजेंड थ्री जीरो फोर रुपया लेके बैठा है उसमें से हमने पिछले वाले मेथड में क्या किया था वन थ्री जीरो फोर हटा के बीस हजार रुपये डाल दिया था एन में टू बिकम टेन परसेंट शेयर होल्डर इसके अंदर हम पूरा ट्वेंटी वन थ्री जीरो फोर एन के अंदर डाल देंगे विच मीन्स तुमको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर ये अमाउंट सेव्ड का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं एवरीबडी क्लियर ना बिकॉज यू विल बी कंप्लीटली पुटिंग एवरीथिंग देयर तो अमाउंट सेव्ड विल बी जीरो करेक्ट अभी कंपेयरिंग अर्निंग्स पे जाते हैं कंपेयरिंग अर्निंग्स में बिफोर शिफ्टिंग वाला तो सेम ही रहेगा आफ्टर शिफ्टिंग में जो मैं दस टक्का ट्वेंटी थाउजेंड पे कमा रहा था वो कहना है अभी मैं ट्वेंटी वन थ्री जीरो फोर पर कमाएगा एवरीबडी क्लियर ट्वेंटी वन थ्री जीरो फोर विच इज़ टू वन थ्री जीरो एवरीबडी क्लियर मेरे को है ना एन से डिविडेंड मिलेगा टू वन थ्री ज़ीरो इंटरेस्ट तो उतना ही सात सौ भरना है सो so कहना है टू वन थ्री ज़ीरो ओके टू वन थ्री जीरो माइनस सात सौ दिस विल बी वन फोर थ्री जीरो ठीक है वन फोर थ्री जीरो विल बी नाउ योर नेट अर्निंग्स सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एम MM एम क्या बोल रहा है एम MM एम बोल रहा है देखो पहले आप तेरह सौ कमा रहे थे अभी आप चौदह सौ तीस कमा रहे हो योर अर्निंग मोर दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज आर्बिट्राज ओनली तो आर्बिट्राज दिखाने का दो मॉडल था मेथड वन था ना मेथड वन वो क्या था एम एम वॉज शोइंग यू यू आर अर्निंग सेम तेरा सो बट यू हैव सेव्ड सम मनी वन थ्री जीरो फोर मेथड टू क्या बोलता है डोंट सेव एनी मनी एंड नाउ डोंट अर्न सेम अर्न समथिंग मोर सो बेसिकली मतलब तेरह सौ के जगह पे आप चौदह सौ तीस कमाओगे सो आर्बिट्राज मेथड वन क्या है आर्बिट्राज मेथड वन सेम अर्निंग विथ सेविंग्स इन इन्वेस्टमेंट मैथड टू एडिशनल अर्निंग्स विथ सेम इन्वेस्टमेंट एंड नो सेविंग्स समझ में आ रहा है आइदर वेज कह रहे थे तुम एक्स्ट्रा कमा रहे हो देखो पहले वाले में क्या था सेम कमा रहे थे लेकिन पैसा बचा के अभी पैसा नहीं बचा रहे लेकिन ज़्यादा कमा रहे ये दोनों मेथड स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में अलाउड है मैं आपको बताऊंगा अगर कुछ नहीं बोला है तो मैथड वन करना वापिस बोलता हूँ कुछ नहीं बोला है तो method वन करना वो पहले वाला अभी वो तो निकल गया अभी लेकिन पहले वाला जो था वो वाला करना और दूसरी बात दूसरी बात अगर एग्जाम में बोला कैलक्यूलेट इंक्रीज इन अर्निंग्स ड्यू टू आरबिट्रज ऐसा बोल दिया कैलक्यूलेट इंक्रीज इन अर्निंग्स ड्यू टू आरबिट्रज देन स्टूडेंट्स कहना है ऐसे मेथड वन चलेगा ही नहीं क्योंकि मेथड वन के अंदर हमने इंक्रीज अर्निंग किधर दिखाया था मेथड वन के अंदर हमने सेम अर्निंग्स दिखाया इंक्रीज इन अर्निंग्स आया ना तो देन इट इज हिंट दैट आपको झकमार के मेथड टू करने का है.

जो पहले मैं लिख लेता हूँ एम एम थियरी प्रोपोजिशन वन सेकेंडरी आर्बिट्राज मेथड वन सेकेंडरी और प्राइमरी में क्या डिफरेंस है प्राइमरी प्राइमरी में क्या हुआ इसमें इसमें कहना इसे आपने इस कंपनी से इस कंपनी में जंप मारा बरोबर? एम से एन जो बड़ी साइज की कंपनी थी उसके शेयर्स बेच के छोटी साइज की कंपनी उठा ली आपने लेकिन कहना इसे बड़े साइज वाले कंपनी में डेट था डेट करेक्ट यू हैड डेट इन द बड़ा वाला साइज वाला कंपनी तो बेसिकली यू आर जंपिंग फ्रॉम डेट इक्विटी कंपनी टू ऑल इक्विटी कंपनी ऐसे जंपिंग को प्राइमरी आर्बिट्रेज कहते हैं सेकेंडरी आर्बिट्रज में पता है क्या होएगा? जिस कंपनी में डेट नहीं है ना उस कंपनी का वैल्यू ज्यादा रहेगा एंड आपको अभी एन से एम में जंप मारना है देखो जंप तो मारना है ओवर वैल्यूड से अंडर वैल्यूड उसमें कोई चेंज नहीं है बड़े बड़ा जो कंपनी रहेगा जिसका जिसका साइज़ ज़्यादा रहेगा उसको बेच के साइज़ इन अ सेंस मार्केट वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसको बेच के आपको छोटे वाला अंडर वेलवुड कंपनी का शेयर्स खरीदने का है लेकिन अगर अभी जो बड़ी वाली साइज वाली कंपनी है उसमें डेट नहीं है और जिसमें आप जा रहे हो उसमें डेट है ना तो देन दैट इज़ कॉल्ड ए सेकेंडरी आर्बिट्रच जो हमने क्वाल कैलकुलेशन किया उसमें कहना है आप डेट से नो डेट में जा रहे थे अभी आप नो डेट से डेट में जाओगे इज कॉल्ड सेकेंडरी रेडी सो उसके क्वेश्चन अगेन वी विल स्टार्ट विद ट्रेडिशनल अप्रोच ओनली पर्टिकुलर्स तो क्या बोलते हैं like, के ई दिया है शो हाउ द आर्बिट्रेज प्रोसेस विल वर्क सो मैं यहां लिखता हूं एल एंड यू

Now, just a minute. Huh? Okay, ready? So, this is the uh, format. Let's start. So, NOI Kitna at twenty thousand. So, this is twenty thousand, this is twenty thousand. इंटरेस्ट इंटरेस्ट कहना इसे एल में है वन लैक का सेवन परसेंट दैट इज सेवन थाउजेंड एंड दिस इज डैश ये हो गया थर्टीन थाउजेंड ये हो गया ट्वेंटी थाउजेंड के केई कितना दिया लोग ने U का के केई टेन परसेंट है ओके एंड एल का के केई एटीन परसेंट है ठीक है तो ये तो हो गया टू लैख का वैल्यू ऑफ इक्विटी ये देखो क्या है थर्टीन थाउजेंड डिवाइडेड बाई एटीन परसेंट विल गिव यू सेवेंटी टू थाउजेंड टू ट्वेंटी टू इसमें एक लाख का डेट जोड़ देते हैं अपन इधर डेट नहीं है दिस इज़ वन सेवेंटी टू टू ट्वेंटी टू एंड दिस इज़ टू लैक्स अब आप मेरे को बताओ ओवर वैल्यूड कौन हो गया द अनलेवर्ड कंपनी ना जिसमें डेट नहीं है वो हो गया सो so आप मेरे को बताओ अभी जंप कहाँ से कहाँ करना है एल में करना है एवरीबडी क्लियर सो उसके अलावा हाउ विल वी स्टार्ट वी विल से लेटस से दैट वी आर ऑलरेडी ओनिंग टेन परसेंट इक्विटी शेयर इन द ओवर वैल्यूड कंपनी यू एंड देन वील स्टार्ट डूइंग अवर कैलकुलेशन ठीक है सो चलो इसमें थोड़ा सा स्टेप्स अलग है एक ही स्टेप अलग है देख लो बता देता हूँ तुमको ध्यान से देखना सो so, मैं यहां पर लिखता हूं लेट्स से वी ओन लेट्स से वी ओन टेन परसेंट इक्विटी शेयर्स ऑफ ओवर वैल्यूड कंपनी दैट इज यू लिमिटेड चलो स्टेप वन सेल शेयर्स ऑफ यू लिमिटेड हाउ डू बाई सेल करेंगे तो यू का इक्विटी दो लाख का है आप टेन परसेंट शेयर होल्डर हो तो कहना से दो लाख इंटू टेन परसेंट ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का कहने से आप शेयर बेच दोगे स्टेप टू नाउ स्टेप टू में वहां पे था याद है बोरो करना था यहां पे बोरो नहीं करना यहां पे लेंड करना है उल्टा है यहां पे ठीक है यू हैव टू लेंड लेंड नाउ मतलब सिंपल है आप सामने वाली कंपनी का डिबेंचर बाय कर लो ना डिबेंचर बाय कर लोगे तो लेंडिंग जैसे हो जाएगा तो मैं यहां लिखता हूं बाय डिबेंचर्स ऑफ एल लिमिटेड ओके बाय डिबेंचर्स ऑफ एल लिमिटेड to become 10% debenture holder, okay? ओके तो सामने वाली कंपनी के पास डेट कितना है एक लाख है अभी आप जहाँ पे जाने वाले हो उसका अगर आपको 10% परसेंट डिबेंचर होल्डर बनना है तो कहना था दस हजार रुपए का आपको डेट खरीदना पड़ेगा वहाँ पे, so that is कहना है वन one lakh into 10%, परसेंट दस हजार रुपए का आप डेट खरीद लो at the rate seven percent interest, ठीक है वो लोग का debentures, and third, buy क्या बाय करोगे अभी ऑफ कोर्स इक्विटी शेयर्स बाय करोगे बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ एल लिमिटेड और वापिस टू बिकम टेन परसेंट इक्विटी शेयर होल्डर तो अगर आपको उनका 10 परसेंट इक्विटी शेयर होल्डर बनना है तो कहना है उनका टोटल इक्विटी 72,222 का है आपको 10 परसेंट इक्विटी शेयर होल्डर बनना है तो कहना है आपको 7,222 थाउजेंड करेक्ट सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज का शेयर्स खरीदना पड़ेगा हो गया अभी आपको सिर्फ निकाल अभी दो चीज़ करने का है अमाउंट कितना सेव हुआ वो देखो एंड कंपेयर द अर्निंग्स करो सो so, मैं यहाँ लिखता हूँ ओके एल राइट ईयर अमाउंट सेव्ड नाउ अमाउंट सेव्ड बोलो स्टेप वन में हमने बीस हजार के शेयर्स बेचे थे सो ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का शेयर्स यू हैड सोल्ड उसमें से कहना से यू यूज टेन थाउजेंड टू बाई डिबेंचर्स यू यूज सेवन ट्रिपल टू टू बाई शेयर लेट सी हाउ मच अमाउंट यू आर एबल टू सेव सो ट्वेंटी थाउजेंड माइनस टेन थाउजेंड माइनस सेवन ट्रिपल टू आपका हाथ में बैठे बैठे टू सेवन सेवन एट रुपीज बच गया एवरीबडी क्लियर क्लियर टू थाउजेंड सेवन सेवनटी एट रुपीज बच गया अब आपको क्या करना है अभी आपको करना है कंपेयरिंग अर्निंग्स कंपेयरिंग अर्निंग्स कंपेयरिंग अर्निंग्स में क्या होएगा? पहले आएगा बिफोर शिफ्टिंग बिफोर शिफ्टिंग में कहना है आप जिस सी कंपनी में थे यू में थे ना उधर से आपको डिविडेंड्स मिल रहा था तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिविडेंड्स फ्रॉम यू नाउ कहना है हमारे पास बीस हजार के शेयर्स थे और टेन परसेंट का के ही था सो कहना है इसे ट्वेंटी थाउजेंड इंटू टेन परसेंट मैं दो हज़ार रुपये का डिविडेंड पहले कमाता था अभी आएगा आफ्टर शिफ्टिंग कहना है आफ्टर शिफ्टिंग आई विल अर्न डिविडेंट्स फ्रॉम एल एवरीबडी क्लियर मैं नया कंपनी से डिविडेंड्स कमाऊँगा एल के अंदर कहना है मैंने सेवन टू 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 के शेयर्स खरीदे हैं और उधर अपने को के ही मिलता है एटीन परसेंट का तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इंटू एटीन परसेंट सो सेवन ट्रिपल टू इंटू एटीन परसेंट तेरह सौ रुपये का मेरे को डिविडेंड मिलता है एल कंपनी से अभी पिछले वाले केस में याद है हमने माइनस इंटरेस्ट किया था लेकिन यहाँ पे माइनस इंटरेस्ट नहीं होएगा यहाँ पे प्लस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होगा क्योंकि आपने बोरो नहीं किया है आपने लेंड किया है यू हैव परचेज एवरीबडी क्लियर ना यू हैव परचेज डिबेंचर्स, सो यू विल बी गेटिंग इंटरेस्ट ऑन इट आई होप यू रिमेंबर आपने दस हजार रुपए का डिबेंचर खरीदा है जिसका सात टके का इंटरेस्ट है सात सौ रुपए का आपका इंटरेस्ट आपको मिल रहा है कहने से टोटल आपको दो हजार मिल रहा है हो गया प्रूव आर्बिट्राज एम एम बोल रहे सी यू आर अर्निंग सेम बट विथ अ सेविंग्स इन इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट दिस इज बेटर एज अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट एर फोरियलाइज इसके वजह से क्या होएगा पब्लिक यू का शेयर बेचना शुरू करेगा एल का शेयर खरीदना शुरू करेगा बोथ विल कम टू एन इक्विलिब्रियम प्राइस दोनों कंपनी का वैल्यू सेम रहेगा इवन दो द कैपिटल स्ट्रक्चर आर डिफरेंट एम एम थियरी प्रूफ एम एम का अब थियोरी क्या है दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए वो उसका थियोरी है इर रिस्पेक्टिव ऑफ डेट है कि नहीं कंपनी के अंदर ठीक है ये था मेथड वन अभी मेथड टू में आप मेरे को बताओ क्या चेंज होएगा मेथड टू के अंदर ना देखो ध्यान से मेथड टू के अंदर पैसा बचाना नहीं है जो है सब डाल दो वैसा वाला मेथड है ना वो सो so, वहाँ पे हमने सेल शेयर्स ऑफ यू लिमिटेड किया है ट्वेंटी थाउजेंड करेक्ट अब आपको ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना टू बिकम टेन परसेंट डिबेंचर होल्डर टू बिकम टेन परसेंट इक्विटी शेयर होल्डर ये रिस्ट्रिक्शन चला जाता है और मैं यहाँ पे ये पूरा हटाता हूँ और मैं बोलता हूँ देखो भाई हमारे पास अभी ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ पड़ा है यू का शेयर्स बेचने के बाद अब मेरे को साम अब मेरे को दो स्टेप क्या करने हैं मेरे को सामने वाली कंपनी का डिबेंचर भी खरीदने का है मेरे को सामने वाली कंपनी का इक्विटी भी खरीदने का है सो बेसिकली योर स्टेप टू एंड थ्री विल बी बाय डिबेंचर एंड इक्विटी ऑफ एल लिमिटेड वर्थ रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड मतलब बीस हजार रुपया पूरा जाना चाहिए वो अपने पिछले टाइम टू सेवन सेवन एट जो बचा है ना वैसे सब बचाओ मत पूरा डाल दो लेकिन मैं पूरा डालू तो मैं उसमें से डेट कितना खरीदू और इक्विटी कितना खरीदू डेट इज द क्वेश्चन सो इंस्टीट्यूट बोलता है यू पुट ट्वेंटी थाउजेंड इन डेट एंड इक्विटी इन दिस रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी एवरीबडी क्लियर उनका जो रेशो है ना उसी रेशियो में आपका बीस हजार बांट के खत्म करो सो so, बेसिकली मैं यहाँ लिखता इन्वेस्ट इन डेट यहाँ पे लिखता हूँ इन्वेस्ट इन इक्विटी डेट में कितना इन्वेस्ट होएगा ट्वेंटी थाउजेंड में डाल रहा हूँ इन वॉट रेशियो आई हैव टू इन्वेस्ट कैन आई से आई हैव टू इन्वेस्ट इन द रेशियो ऑफ देखो डेट का वन लैख का वैल्यू है और इक्विटी का सेवेंटी टू थाउजेंड टू ट्वेंटी टू का वैल्यू है ना इन द ओवरऑल स्ट्रक्चर सो स्टूडेंट्स डू देयर फोर रियलाइज मैं करूँगा इन टू वन लैख डिवाइडेड बाय वन सेवेंटी टू टू ट्वेंटी टू और इक्विटी में मैं करूँगा ट्वेंटी थाउजेंड इंटू सेवेंटी टू टू ट्वेंटी टू डिवाइडेड बाय वन सेवेंटी टू टू ट्वेंटी टू सो लेट्स टेक द कैलसी बीस हज़ार इंटू वन लैक डिवाइडेड बाय वन सेवेंटी टू टू ट्वेंटी टू अगर हम करते हैं सो so इलेवन थाउजेंड सिक्स वन थ्री रुपीज़ का आपको डेट खरीदने का है एंड बेसिकली ट्वेंटी थाउजेंड इंटू सेवेंटी टू टू ट्वेंटी टू बाई वन सेवेंटी टू टू ट्वेंटी टू आपको एट थ्री एट सेवन 8387 का इक्विटी खरीदने का है तो कहना है इसे ये अगर आप करते हो ऑफ कोर्स दोनों का टोटल इस 20,000। आपका बीस 20 हज़ार रुपया डेट और इक्विटी में चला गया ये करने के बाद आई होप यू रियलाइज कोई अमाउंट सेव्ड नहीं आएगा यहाँ पे, बिकॉज आपने सारा रुपया डाल दिया है अब आपको सीधा जाना है कंपेयरिंग अर्निंग्स में कंपेयरिंग अर्निंग्स में बिफोर शिफ्टिंग में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बीस हज़ार दो हज़ार रुपये आप जो कमा रहे थे वो तो कमाओगे ही आफ्टर शिफ्टिंग में फ़र्क पड़ेगा सबसे पहली बात डू यू रियलाइज़ अभी मेरे पास इक्विटी एट थ्री एट सेवन का है तो मैं अभी डिविडेंड्स कहना इसे एट थ्री एट सेवन के हिसाब से कमाऊंगा एट थ्री एट सेवन इंटू एटीन परसेंट एट थ्री एट सेवन इंटू एटीन परसेंट वन फाइव वन जीरो रुपीज़ का मैं यहाँ डिविडेंड्स कमाऊंगा तो मैं यहाँ लिखता हूँ वन फाइव और दूसरा मैं इंटरेस्ट अभी दस हजार रुपए पे नहीं इलेवन थाउजेंड सिक्स वन थ्री पे कमाऊंगा सो आई विल राइट हियर इलेवन थाउजेंड सिक्स वन थ्री ओके इलेवन थाउजेंड सिक्स वन थ्री पे सेवन परसेंट सो इलेवन थाउजेंड सिक्स वन थ्री इंटू सेवन परसेंट एट हंड्रेड एंड थर्टीन रुपीज ओके आठ सौ तेरह रुपया हम यहाँ पे डिविडेंड्स कमाएंगे सो so, टोटल अगर मैं करता हूं तो डू यू रियलाइज मैं टू थ्री टू थ्री रुपीज़ कमा रहा हूँ टू थ्री टू थ्री रुपीज़ मैं कमा रहा हूँ तो इससे तुमको नज़र आ रहा है कि पहले आप दो हज़ार कमा रहे थे अभी आप कहना थे थ्री ट्वेंटी थ्री एडिशनल अर्निंग कमा रहे हो आपका कुछ पैसा बच नहीं रहा है पैसा पूरा गया आपका लेकिन आप बैठे बैठे थ्री ट्वेंटी थ्री रुपीज़ एक्स्ट्रा कमाओगे दैट इज़ कहना से मेथड टू तो, मेथड टू तो का गोल ही ये है नॉट टू सेव एनीथिंग बट अर्न समथिंग एक्स्ट्रा सो

अनलेवर्ड फर्म ऊपर का सब भूल जाओ अभी दो सिंपल फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ अनवर्ड फर्म नहीं करते अपन वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए वही करना है ई बी आई टी अपॉन के जस्ट दैट यहाँ पे इंटू वन माइनस ट्री आएगा और वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म रहेगा ना वो वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म एज इट इज डाल दो प्लस द डेट इंटू टैक्स रेट ये उसका फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला है लेवर्ड फर्म का यहां तक समझ में आ गया सो बेसिकली अनलेवर्ड एंड लेवर्ड के ये दो फॉर्म्यूलाज है फॉर एम एम थियरी विथ टैक्स विदाउट टैक्स में वो लोग वो आर्बिट्रेज पूछेंगे विथ टैक्स में आपको लेवर्ड और अनलेवर्ड का वैल्यू ऑफ फर्म निकालने को पूछेंगे एंड ऑफकोर्स अगर उन्होंने के ओ पूछा के ओ तो के ओ का फॉर्मूला विल बी ई e बी आई टी याद अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म इंटू हंड्रेड कर देते दे थे हम लोग अभी बस ई बी आई टी के आगे इंटू वन माइनस टी आएगा एक्स्ट्रा बाकी कुछ नहीं ईबीआईटी e वन माइनस टी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म इन टू हंड्रेड दट इज के ओ एवरी वन कम टू क्वेश्चन नंबर फोर की एंड ली प्लीज रीड इट केयरफुली If there is no word called as average here, just calculate the value. That's it. Okay, let's start. Students' exam point of view either they go, you are seeing mm, you are seeing tax. You understand that we are doing mm with tax. Everybody clear, now? Okay. So, key and lee are identical in every aspect. एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर की डज नॉट एम्प्लॉय डेट एक मिनट हाँ क्या इसे की अनलेवर्ड फर्म हो गया वेर इज ली एम्प्लॉय ट्वेल्व परसेंट डिपेंचर्स ये लेवर्ड फॉर्म हो गया हाँ अज्यूमिंग ऑल एजम्पन्स ऑफ एम एम आरमेंट टैक्स रेट ये आपको एनओ बी आई टी दिया है और ये ना आपको के ई ऑफ की दिया है हेलो के ई ई का के ई -E दिया है मेरी बात ध्यान से सुनना डू यू रियलाइज ये उसका के ओ भी है क्यों अरे जब वो अनलेवर्ड फॉर्म है तो क्या के ई -E और क्या के ओ सब सेम ही रहेगा ना डल तो नोटबुक्स में मैं आपको एक स्टार्ट दे रहा हूं अच्छा पहले बात बताओ पहले तुमको की का वैल्यू निकालने की ली का निकलना है की का क्वेश्चन नंबर फोर की का ready everyone question for calculation of value of key that is value of uf calculation of value of key that is value of uf correct since key is unlevered ke equal to के ओ इक्वल टू ट्वेंटी फाइव परसेंट के ई इक्वल टू के ओ इक्वल टू ट्वेंटी फाइव परसेंट चलो वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फॉर्म का क्या फॉर्मूला दिया है मैंने ई बी आई टी वन माइनस टी ई बी आई टी वन माइनस टी अपॉन के ओ ebit 1 minus t upon q 5 lakh bracket 1 minus minus point three divided by 25% 14 lakhs Now, okay. calculation of value of Li that is v bracket LF v bracket LF will be v bracket UF plus V bracket D into tax rate. कितना डेट है उसमें और टैक्स रेट तो हो गया ट्वेंटी लैक्सा एम एमएम विद टैक्स कितना सिंपल है दो फॉर्मुला लगाने खत्म करना है ठीक है